क्रिकेट शुरू हो चुका है, सब तरफ आईपीएल की चर्चा है, लेकिन हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिकेट को प्रोजेक्टर पे देखें या टीवी पे देखें। तो आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंजीनियर्स माइंड। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल इंजीनियर्स माइंड को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्टर्स को यूज करें या टीवी को यूज करें, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किसको कहां पे यूज करना है, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप डिसीजन लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है वो साइज ऑफ रूम है। अगर आपको आपका जो पर्पज है, आप जिसके लिए प्रोजेक्टर या टीवी खरीदना चाह रहे हैं, वो अगर लिविंग एरिया है, जैसे बड़ा एरिया है, उसमें आपको प्रोजेक्टर का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपका बेडरूम है, 7 फीट या 9 फीट का व्यूइंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगती और वहाँ पे आपका काम टीवी से चल सकता है। तो अगर आप खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले कि आप किस पर्पज के ले रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखें। दूसरी जो बात है वो है बजट। बजट ये है कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो टीवी के कंपैरिजन में कम कॉस्ट में आ जाएगा। जैसे आप 4K प्रोजेक्टर लेते हैं, 4K रिजोल्यूशन का प्रोजेक्टर लेते हैं, तो अगर आप उसी रिजोल्यूशन की टीवी लेंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। तो यहाँ में प्रोजेक्टर जो है वो टीवी के ऊपर भारी पड़ता है। आपको बजट के हिसाब से और जो व्यूइंग एरिया है, जितना बड़ा साइज है आपका, वो अगर आप देखें तो उस साइज के हिसाब से, उस व्यूइंग एरिया के हिसाब से प्रोजेक्टर की कास्ट जो है वो कम होती। जहां तक व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात है, तो जो भी 4K या फुल HD वीडियोज हैं, वो बड़ी स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल ज्यादा बेटर दिखती है। तो इस मामले में भी आपको प्रोजेक्टर पे ज्यादा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा आपको बेटर मिलेगा टीवी के कंपैरिजन में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि इंस्टॉलेशन की बात है। आपको टीवी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रोजेक्टर लगाना है तो आपको उसके हिसाब से ब्लाइंड स्क्रीन लगानी होगी, आपको पूरा रूम डार्क रखना होगा और आपको स्पीकर्स अलग से लगाने पड़ेंगे। ये सारा सेटअप आपको अलग से करना पड़ेगा, जबकि टीवी में ये सब पूरा सेटअप आपको एक साथ ही मिलता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको प्रोजेक्टर लेना है या टीवी लेना है। हालांकि प्रोजेक्टर जो है उसमें जो लैंप होता है उसकी जो लाइफ है ऑलमोस्ट 1 ईयर होती है, तो वो कॉस्टलियर भी होता है, तो आपको हर साल उसको चेंज भी करना पड़ेगा। वो 1 साल के बाद करीब खराब हो जाता है, उस चीज को आपको चेंज करते रहना होगा। तो ये भी एक कह लें कि प्रोजेक्टर और टीवी का कंपैरिजन करें, तो टीवी में ऐसी कोई चीज नहीं, एक बार में टीवी खरीद ली और वो चलती रहती है। तो ये भी एक चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपका पर्पज क्या है। प्रोजेक्टर आप ले रहे हैं किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। अगर आप गेम्स में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको फीफा वर्ल्ड कप देखना है, IPL मैच देखना है, क्रिकेट के कोई भी वर्ल्ड कप देखना है, इस तरह की चीजें हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपको वो बड़ी स्क्रीन पे, कहने का मतलब प्रोजेक्टर पे, आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा इन कंपैरिजन टू टीवी। दूसरा ये कि आप सेट टॉप बॉक्स कंटेंट, अगर आपको नॉर्मल सीरियल और ये सब चीजें देखनी है तब तो टीवी ठीक है, लेकिन आप वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज जो है, जैसे कि कई सारी सीरीज आती है नेटफ्लिक्स पे है, यूट्यूब ओरिजिनल्स पे है, जो कि 4K में है। जनरली जो ब्रॉडकास्टर हैं वो 4K पे कम ब्रॉडकास्टर हैं, आपके सेट टॉप बॉक्स के थ्रू जो ब्रॉडकास्टिंग होती है। लेकिन अगर आप वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज की बात करें, तो उसमें आप 4K वीडियो प्रोजेक्टर्स पे अच्छी तरह देख सकते हैं और जिसकी कास्ट इन कंपैरिजन टू टीवी कम होगी। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्टर और टीवी के ऊपर ही मेरा एक कंपैरिजन आपको कैसा लगा, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर्स माइंड।